हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलिए आज हम एक और जो गवर्नमेंट में मिलने वाले मेडिसिन हैं जो फ्री में सप्लाई किए जाते हैं उस मेडिसिन के बारे में हम जानते हैं। तो ये फर्स्टली क्या है, 10x10 टैबलेट्स, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। एक पत्ते में आपको 10 टैबलेट मिलेंगे और इस डब्बे में ऐसे 10 पत्ते हैं यानी कि 100 टैबलेट्स हैं। तो हमारा जो ड्रग्स है उसका नाम है सिफैक्समी। ये सिफैक्समी टैबलेट IP 200 mg का है। तो चलिए इसके बारे में हम होल नॉलेज गेन करते हैं, होल इन्फॉर्मेशन जानते हैं, क्या है इसका साइड इफ़ेक्ट, क्या होता है इसका, डोजेस क्या है इसकी, इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एवरीथिंग। अगर आप कभी यूज़ किए हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा किस डिजीज में यूज़ किए हैं, वैसे तो हम सारे इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सिफैक्समी इज यूज्ड टू ट्रीट अ वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। द मेडिकेशन नोन एंड द सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक। ये जो हम सिफैक्समी मेडिसिन है इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को किल करता है, स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है। तो इसके बारे में और जानते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन में हमारा काम नहीं करेगा, कॉमन कोल्ड फ्लू हो गया उसमें भी ये वर्क नहीं कर सकता है। तो ये एक हाईली एंटीबायोटिक है। तो इसके बारे में और कुछ जानते हैं, जैसे कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है अगर आप ले रहे हैं तो इसके बारे में, साइड इफ़ेक्ट बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो स्टोमक है वो आपको पेन दिखेगा या फिर अपसेट दिखेगा, डायरिया होगा, नौजिया फील होगा, गैस बनेगा, हेडेक भी होगा, डिजनेस भी आपको फील होगा। और ये जब भी आप मेडिसिन ले रहे हैं बिना प्रिस्क्राइब किए हुए, बिना फार्मासिस्ट को कंसल्ट किए हुए, प्लीज़ ना लें, क्योंकि आप ख़ुद से डॉक्टर बनने के चक्कर में एक बीमारी से ठीक होने के वजह आप कोई और भी बीमारी ले सकते हैं। इसलिए प्लीज़, इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होता है, ये सब हाईली एंटीबायोटिक है। तो इसका और देखते हैं, जैसे कि आपका जो स्किन है वो येलोश देखने को मिलेगा, जो आई है वो आपको येलोश देखने को मिलेगा, जो यूरिन का कलर है वो डार्क देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट हो रहा है या फिर किडनी प्रॉब्लम, कोई भी किडनी स्टोन हो गया या फिर किडनी फेलियर हो गया, आपको ये देखने को मिल सकता है। आपको इसमें स्टोमक में क्रैम्पिंग या फिर ब्लड म्यूकस स्टूल के साथ देखने को, और आपको क्या देखने को मिलेगा, ओरल थ्रस्ट भी, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शंस भी देखने को मिलेगा साइड इफ़ेक्ट में, फिर वेजाइनल डिस्चार्ज जो हो रहा है उसमें भी एबनॉर्मलिटी, एलर्जिक रिएक्शंस, टंग फेस जो है वो स्वेल कर जाएगा, और टॉवल क्या देखेंगे, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगा। प्रिकॉशन आपको क्या करना है इसमें, प्रिकॉशन सिफैक्समी में आपको प्रिकॉशन एलर्जी से करना है, एलर्जी रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉज करता है, अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है उसमें आप सिफैक्समी नहीं देंगे, किडनी फेलियर हो रहा है उसमें भी आप इसको नहीं देंगे, क्योंकि यह खुद किडनी फेलियर कर सकता है। इंटेस्टाइनल डिजीज, कोलाइटिस हो रहा है उसमें भी आप नहीं देंगे। आपका जब इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन हुआ है, थायराइड का वैक्सीनेशन हुआ है, उसमें भी आप इसको नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत हार्मफुल होना स्टार्ट कर जाएगा। और चलिए इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं, हाउ टू ड्रग मेडिसिन टू इंटरेक्ट विथ देयर पेशेंट्स, और साइड इफ़ेक्ट्स, सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या करना स्टार्ट कर देगा वो सब जानते हैं। जैसे कि ब्लड थिनर हो गया, वॉरफिन हो गया, उसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा सिफैक्समी, ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर जानना। और ओवरडोजेज लेंगे तो आपको ट्रबल ब्रीदिंग ज़रूर देखने को मिलेगा, वोमिटिंग हो जाएगा, सीजर भी आपको डेवलप हो सकता है। इसलिए प्लीज़, आप कोई भी दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से बिना प्रिस्क्राइब किए मत लीजिए। मैं बार बार आपको वीडियो में ज़रूर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आपकी एक लापरवाही आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत स्लो पॉइजन धीरे धीरे कॉज करेगा, बट स्लो पॉइजन आपका लीवर डैमेज, आपको किडनी डैमेज बहुत ज़्यादा कर जाएगा। चलिए इसके बारे में और भी कुछ देखते हैं, इसके पैकेट्स के पीछे क्या लिखा हुआ है। तो इसकी स्टोरेज है, स्टोरेज इन अ कूल ड्राई एंड डार्क प्लेस एट द टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग द 25 डिग्री सेल्सियस, प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। आपको लाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, और 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आपको तापमान में इसको नहीं रखना है। तो इसके डोजेस क्या है, देखिए यहाँ पे भी आपको दिया गया, फिजिशियन के बिना अलाउमेंट के नहीं दिए हैं तो आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसका
इसका देखिए एक्सपायरी डेट यहाँ दिया हुआ है जनवरी 2025 और मैन्युफैक्चर डेट फरवरी 2023। तो आप ये देख सकते हैं एक पत्ते में 10 गोली होते हैं। अब जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब किए हैं उस तरफ से आपको टैबलेट दे सकते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आपके लिए यूज़फुल रहा, इन्फॉर्मेटिव रहा, कुछ नया जानने को मिला तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने नॉलेज को बूस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।